नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज मैं कराने वाला हूं आपका मॉक टेस्ट, जो कि होगा साइंस पे बेस्ड। तो साइंस के मैंने कुछ 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आप क्या कीजिए, एक पेन और कॉपी ले लीजिए और आप हर एक सही आंसर का अपने आप को दीजिएगा 1 नंबर। तो आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हुए होंगे उनके आंसर आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और सही हैं, तो उनके आंसर आप डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि आपकी सिचुएशंस क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 2 से 3 सेकंड का पॉज लूंगा। आप उसमें अपना सही उत्तर अपनी कॉपी में लगा लीजिएगा और अगर उत्तर आपका सही होता है तो अपने आप को दीजिएगा 1 नंबर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। नेक्स्ट है, यह सहसंयोजिक बंध बनाता है, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, इसके यौगिक ज्वलनशील है और गलनांक तथा क्वथनांक क्या है, कम है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लगा लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस, वेबर या टेस्ला। तो अपना आप सही उत्तर लगा लीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबर। तो जो वेबर है वे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, मैग्नेटिक फील्ड के। अगला देखिए, समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो वे कहाँ पे होगी, H2 गैस में, N2 गैस में या O2 गैस में। तो अपना सही उत्तर आप लगा लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2 गैस में। नेक्स्ट देखिए, साबुन है निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कलिक धातु के लवण, डोडेसिल बेंजिल सल्फोनेट, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातुओं के लवण, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। तो अपना आप सही उत्तर लगा लीजिएगा, तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। अगला देखिए, बांझपन रोधी विटामिन है, तो बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है, बी ई ए या के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अपना ऑप्शन लगा लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विटामिन ई। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिक कुंजी या की होती है, तो ये कहाँ पे होती है, मॉनिटर में, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में या कीबोर्ड में। तो आप सही उत्तर अपना लगा लीजिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड में। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं तो कौन से हैं, CO+H2, CO2+H2, CO+N2, CO2+N2। आप इसका सही आंसर लगा लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO+N2। नेक्स्ट देखिए, नारियल के रेशे किस भाग से मिलते हैं, बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति या बीज कवक। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल की बात कर रहा है, तो कौन सा बल प्रबल है, तो देखिए कौन सा अम्ल, तो H2CO2, CO3, HNO3, CH3, COOH या HCN। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, HNO3। नेक्स्ट देखिए, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है,
तो क्या कहलाता है? वृक्कीय संवहन कहलाता है, लसिका संवहन कहलाता है, यकृतीय संवहन कहलाता है, या निवाहिका संवहन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो अपना आंसर मार्क कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवाहिका संवहन। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? ऑप्शन आपका एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं, या ए और बी दोनों एंटीबॉडी। तो आपने अपना सही आंसर मार्क कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसमें अधिकतम अणु हैं? ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, किसमें सबसे ज्यादा है, तो आप अपना ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Lg(H2)। नेक्स्ट देखिए, 1.5 ओम, 0.05 ओम और 0.25 ओम है, ये जो रेजिस्टेंस है ये किसमें लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध बताना है, यानी तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.80, क्योंकि जब कोई इसमें होता है ना सीरीज में, क्या होता है, ये सभी क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये और ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इनमें कौन वास्तव में मीन है, यानी मछली की बात कर रहा है, तो मीन का मतलब मछली, कौन सी इसमें मछली है, तो फुसफुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, फुसफुस मछली, बिल्ली मछली यानी कैट फिश, एंड कुत्ता मछली यानी डॉग फिश, ये सारी क्या है, मछलियां हैं। और ये जो सिल्वर फिश होती है, रजत मछली, ये क्या होती है, ये एक इंसेक्ट होती है, ठीक है, इंसेक्ट होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये मछली नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कैलिमाइन किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक या आयरन? तो अपना सही ऑप्शन आप मार्क कर लीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज के थे, ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली सीरीज में एक और मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।